मैं शाहनवाज, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि अब मुकाबला बराबरी का होगा, बात होगी तो बराबरी की होगी। उधर असुद्दीन ओवैसी का वीडियो जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि आज अगर हिंदुस्तान के मुसलमान गरीब हैं तो इसका जिम्मेदार कांग्रेस है। सुपौल सरायगढ़ एवं आसनपुर राघोपुर के बीच रेल परिचालन का आज शुरू किया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अमान परिवर्तन के बाद सरायगढ़ राघोपुर रेलखंड पर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल परिचालन का शुभारंभ किया। दोपहर 12 बजे मोदी ने इस खंड के रेल को हरी झंडी दिखाई है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार के मंत्रियों को काफ़ी फजीहतों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के बाद बिहार सरकार के खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा है। भाजपा नेता को उस वक्त लोगों ने खदेड़ दिया जब वह जनसंपर्क अभियान कर रहे थे। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मंत्री ब्रजकिशोर बिंद का एक कार्यक्रम से लौटकर वापस जा रहे थे, इस दौरान चांद प्रखंड में वह जनता को नीतीश सरकार और मोदी जी की उपलब्धियों के बारे में बताने लगे। इस दौरान लोगों पर का गुस्सा भी भड़क गया और स्थानीय लोग उनसे हिसाब मांगने लगे। जब लोगों ने विकास को लेकर उनसे सवाल किया तो मंत्री जी की बोलती बंद हो गई। फिर क्या था, मंत्री जी वहां से गाड़ी में बैठकर भाग खड़े हो गए। जनता उनसे 5 सालों का हिसाब मांग रही थी कि मंत्री जी थोड़ी देर भी नहीं टिक पाए। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते वंचित बहुजन समाज मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद प्रकाश अंबेडकर 23 सितंबर को 8 बजे पटना आ रहे हैं। इसको लेकर आज पटना के एग्जीबिशन रोड में वंचित बहुजन मोर्चा की ओर से समीक्षा बैठक सह संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान मोर्चा के मुख्य संरक्षण पप्पू साह, द ग्रेट भीम आर्मी के चीफ अमर आजाद, शोषित दल के चीफ शास्त्री जी एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के नोमानी ने पत्रकार को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं की दिल्ली दौरा चालू है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग में देरी से बेचैन उपेंद्र कुशवाहा कई बार दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं। हालांकि सीटों को लेकर कांग्रेस या आरजेडी से बात बनी है या नहीं बनी है इस पर बात करने से इनकार कर दिया गया। आज उपेंद्र कुशवाहा जब दिल्ली से पटना लौट रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए नीतीश बीजेपी पर हमला बोला है, लेकिन सीटों को लेकर कुछ भी नहीं कहा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर CPIML के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य का बड़ा बयान सामने आया है। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को खास तौर पर NDA को मात देने के लिए विपक्षी एकजुटता बेहद जरूरी है। दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले 16 तारीख को उनकी पार्टी की बैठक हुई है जिसमें इस बात पर सहमति बनी है कि चुनावी तालमेल के साथ ही विपक्षी दलों को जनता के बीच जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बिहार में NDA की सरकार बनेगी। जहां तक RJD की बात है, यहां न तो लालटेन में तेज है और न तो प्रताप है, सिर्फ केवल नाम है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर तेजस्वी यादव ने किसान को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की NDA सरकार किसान और गरीब विरोधी है। बिहार की 143 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी अब 36 सीटों पर उतर आई है। LGP के प्रमुख नेताओं में से एक सूरज भान ने कहा कि उनकी पार्टी को NDA से 36 सीटें चाहिए, अगर इससे ज़्यादा गला दबाया गया तो फिर पलटवार खतरनाक होगा। वैसे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता ने सूरज भान सिंह के बयान को उनकी निजी राय करार दिया है।